क्या शानदार आवाज है। देखिए किसान भाइयों कितना प्यारा ट्रैक्टर है, आयशा कमाने वाला है। बंद कर दो, जो साहब कौन सा मॉडल है? 71 मॉडल है जी। 70? 71। किसान भाइयों ये 70 मॉडल ट्रैक्टर है। 71 है जी। 71 मॉडल। और आप इसकी कंडीशन देखिए, बम्पर लगा हुआ है और कमानी का, ये पहले से कमानी का आया? कमानी का है जी, पहले से, और कंपनी से सेल्फ स्टार्ट आता है। अच्छा, इसका अगला हाउसिंग देखिए कितना सुंदर बनाया है, और सेल्फ स्टार्ट है ये। अब तो खैर बैटरी ख़राब हो रही है। सीट कितनी शानदार है, स्टीयरिंग में प्ले भी नहीं है। इसके स्टीयरिंग में प्ले नहीं है, बदलवाया स्टीयरिंग आपने? इसमें मैंने काम करवाया था जी। अच्छा हाँ, नहीं तो बहुत ज्यादा चिक रहा है स्टीयरिंग भाई। वाह, गड़गड़ा गए थे, जनरल हो रहा। नए टायर हैं, छतरी भी कंपनी से इसकी क्या लगी। हिच देखिए कितना पक्का, हिच बहुत मजबूत लगवाया जी आपने तो, बहुत मोटी प्लेट है। हाँ जी। ये नहीं हिलता होगा बिल्कुल भी? ना जी ना। अच्छा, ये नीचे को जो लगवाया ऐसे उठ रहेगा भी नहीं ट्रैक्टर? जी जी। तो बेचना चाह रहे हैं आप इसे? ना ना जी। अच्छा नहीं जी, मैंने तो इसमें 188,000 रुपये लगाए थे। 188,000 रुपये? 188,000 रुपये लगाए सन 11 में। अच्छा जी। टायर पैर सब जनरल ओवरऑल करवा के इसका, कंट्रोल हाइड्रोलिक का टप्पा वप्पा सब, सेल्फ स्टार्ट। तो जब ये छतरी का मॉडल है तो नया ही बना? यो नहीं जी, यो कंपनी से इसकी क्या लाया था, इसी का ओरिजिनल रंग है जो रखी थी। तो यो मैंने इसको घुमाने का क्या जुगाड़ दिया इसमें? तो घुमाने का नहीं था, इसमें एक बोल्ट था। अच्छा, तो जैसे कोई पीछे से पकड़ा था पीछे को हो जाती, आगे से पकड़ा था आगे को हो जाती। तो दूसरा बोल्ट करवाया। अच्छा, छाँ भी रहती है बढ़िया? हाँ जी, छाँ बढ़िया रहे जी। अच्छा, ये पैडल भी इसके मतलब ढड़े हुए हैं वैसे नहीं जा रहे, हैंगल पैंगल के हों? ना, अलग अलग हैं, इसमें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई सा पैडल मान लो, इसे तो दोनों कंट्रोल करेगा जी, वो लेफ्ट और राइट को करेगा। तो ये हाइड्रोलिक पहले भी इस तरह की थी या अब चेंज कराया? पहले इसमें साथ दी थी, मैं एनसी की हाइड्रोलिक लगवाई इसमें फिर। अच्छा, जुगाड़ कराया आपने? हाँ, कंप्लीट। पहले तो साथ दी थी डिब्बे वाली, आगे आवे थी यहाँ स्टीयरिंग में ली। तो आपने इतने पैसे लगाए इससे, तो नया था वो बढ़िया रहता वैसे? अजी नया, ये तो बुजुर्गों की निशानी है, इसका खर्चा बहुत कम है। खर्चा फिर हमारे पिताजी कहने लगे, नुका इसे छोटे वाला कह रहा था बेच दो। अच्छा, नुका भाई इसे खड़ा कर दो। अच्छा, मगा जी खड़ा क्या कर दें इसे, हम अपना मैं रख लूँ तो तू रख ले। सही बात। तो जब मैंने इसमें पैसे लगा दिए थे, कहा इसमें इतने पैसे लगा दे जो साला अगली पीढ़ी वाला भी कोई बेचे ना। अच्छा, एक बात, जैसे कमाणी है और वो चला रहे हैं आप जी, कमाणी के में गदगी कम लगती होगी? इसमें तो गदगी जैसे आईसर ट्रैक्टर और चला रहे खड़ंजे पे। हाँ, तो आप टॉप गियर में चला नहीं सकते, रियो टॉप गियर में भागा चला जा, गाड़ी की तरह जंप लेता रहे। हाँ, जंप लेता रहे, गदगी कट हो जा। तो सुना किसान भाइयों, किसान कितने शौकीन है। अगले हिस्से में बहुत कम मेंटेनेंस है, बहुत। हाँ बिल्कुल सही कह रहे जी, क्योंकि गदगी ये कमानी झेल जा, ये कमानी गदगी झेल लो जा, इस पे गदगी नहीं आती ना बैरिंग पर, रोड पर ना किसी पर। टॉप गियर में चले वो। एक बार आप वहाँ चले जाओ, फोटो लूँगा। काम करवा के ला रहा था ना जी, मुझे फनागर से पेंट वेंट करवा के। अच्छा जी। तो एक सोनटे के जने कहाँ के बुजुर्ग थे, वे कहने लगे नया लाया लाला, मगा ना पुराना लाया जी। नुगे नहीं तू झूठ बोल रहा, मगा जी ना मैं सही बता रहा। नुगे तेरा नया हो या पुराना हो, तू 1,00,000 रुपए ले ले और एनसी ले ले 242 बदले में, जो हमें दे दे तू इसे खो देगा। मगा जी ये खोने के लिए ना है, तो शौक में पैसे लगाए रखने के लिए। नुगे ऐसी लुंडार तो बहुत हो मैं। फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर यहाँ 6 महीने पीछे आए, फिर कहने लगा भाई तुम्हारे पास 7 ट्रैक्टर हो रहे हैं लल्ला, तुमने देने के नहीं तमीज़ है, मगर देते नहीं। हम तो शौकीन आदमी हैं, पुराने खानदान लगा लिए थे पैसे। तो किसान भाइयों देखिए, हमारे देश में आज भी इतने शौकीन किसान हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों की निशानी संवार के रखते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बुजुर्गों को अनाथालय भेज देते हैं, वृद्धाश्रम। तो जो मशीनरी को प्यार कर रहा है वो बुजुर्गों को कैसे बाहर निकाल देगा? 67 मॉडल मेसी है हमारे पास, उसे दिखाओ। तो दोस्तों नमस्कार।